press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके, और मैं हूं पीके बिश्नोई. सो ओके गाइज, इस सीरीज के अंदर एज यू नो अभी हमारा कंप्लीट 100 क्लासेस को लेकर एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स को लेकर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है गाइज, देखिए सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं उस प्रोनंसिएशन और एक्सेंट को लेकर. जी हाँ, डेफिनेटली ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है एक लैंग्वेज के अंदर की प्रोनंसिएशन और एक एक्सेंट. अब देखिए, हम लोग इंडियन हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडियन लोगों को, खासकर एक वर्ड को उसको सही में पढ़ पाना, उसको उसका सही में एक्चुअल में उसका उच्चारण निकाल पाना. मीन्स प्रोनंसिएशन होता है शब्दों का सही उच्चारण. ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले उन सभी अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं गाइज, उनके टोटल जो प्रोनंसिएशन है वो कैसे हैं, उसके ऊपर हम सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे. और उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे गाइज एक्सेंट को लेकर, कि वो बोलने का जो लहजा और वो बोलने का जो तरीका होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए. क्योंकि आपके मैं कॉमेंट्स देख रहा हूँ गाइज काफ़ी ज़्यादा इस आप सभी की डिमांड रहती है कि सर प्रोनंसिएशन को करेक्ट कैसे करें, एक एक्सेंट को सही कैसे करें, जिसे एक रियल में लगे कि हम एक्चुअली फॉरनर की तरह एक इंग्लिश में बात कर रहे हैं. तो आज हम लोग इन चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और डेफिनेटली वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए. ओके, तो चलते हैं सबसे पहले इस प्रोनंसिएशन यानी शब्दों के सही उच्चारण को लेकर बात करें. तो सबसे पहले आता है जर्मन एक हमारा जो अल्फ़ाबेट के अंदर पहला जो लेटर है वो आता है ए. ओके गाइज, लेकिन जर्मन इसको हम लोग ए जरूर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्रोनंसिएशन है वो क्या होना चाहिए. देखिए ई और आई को मिलाते हैं तो देखिए इसका जो टोन जो निकल के आता है एक वो होता है ए, नॉट एक्चुअली ए, बिल्कुल एक सीधा नहीं कहना ए नो. ओके, इसको मिलाइए ई और आई ए, यानी कहने मतलब थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है आपका पहला वर्ड का. ओके, अगर मैं लेटर देखूँ, ओके पहले लेटर का अगर प्रोनंसिएशन देखूँ, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है. देखिए सीधा ए नहीं बोला है, ए यानी थोड़ा सा लॉन्ग करना है, राइट. इवन दैट इसी तरीके से हम लोग बी को बी बोलते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन बी और आई को मिलाते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाना है इसको भी, भी, यानी प्रॉपर ऐसे नहीं करना है कि यस बिल्कुल बी, बी नहीं बोलना है. ओके, इसे बोलो भी. ओके, थोड़ा सा लिप्स को आप ब्लॉक करें दोनों को, भी मतलब थोड़ा सा लॉन्ग. ओके, तो आपका प्रोनंसिएशन बी का भी अच्छा निकलेगा. इवन दैट गाइस, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सी को लेकर. ओके, हम लोग नॉर्मल में सी देखते हैं बोलते हुए सभी बच्चों को, लेकिन इसका एस और आई का जो टोन निकलता है वो होता है सी. थोड़ा सा क्या कर रहा हूं मैं, देखिए लॉन्ग, यानी ई की जो मात्रा दिख रही है आपको बड़ी है, तो यहां बोलता है सी, नॉट एक्चुअली सी. थोड़ा सा फर्क है, इन चीजों को आराम से देखते जाएं, उनका प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं इसके बाद में. कंप्लीट इस वीडियो को देखें, बहुत सी चीज सीखने को मिलेगी. ओके, उसके बाद में डी ई. ओके, हम लोग इसको बोलते हैं डी, लेकिन इसको फिर से वही कहूंगा कि थोड़ा सा प्रोनंसिएशन देखें तो इसका लॉन्ग जाएगा डी, यानी एक्चुअली सीधा नहीं होना चाहिए डी, डी लाइक दिस. ओके, एंड उसी सीरीज में आगे चलते हैं. ओके, अल्फाबेट की मैं बात करूं ई को लेकर, तो हम लोग इसे बोलते हैं ई, लेकिन मैं कहूंगा कि ए, यानी अब आप देखिए कुछ बच्चे इसको ए और ई को मिलाते हैं तो ए ही पढ़ देते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है. ए बिल्कुल न मात्र, बिल्कुल स्ट्रेस कम देनी है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस है वो ई पे रहनी चाहिए, ए, यानी ई को थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाना है, राइट. इवन दैट इसी तरीके से एफ जो है इसको अब हम लोग बोलते हैं एफ. ओके, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड का जो प्रोनंसिएशन होना चाहिए एफ, नॉट एक्चुअली एफ. कुछ बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, हूबहू उसको देखकर पढ़ देते हैं. ओके, तो ऐसा नहीं करना, इसे बोलें एफ. ओके, राइट. उसी तरीके से हम लोग आगे जाएंगे तो जी, जी का भी देखिए टोन क्या निकल के आना चाहिए. नॉर्मल हम लोग जी बोलते हैं, लेकिन जी और ई की टोनिंग आनी चाहिए जी. देखिए डी जी ए, यानी सॉरी डी जी डी जी आई, यानी आप इसे बोलते हैं जी, थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाना. ओके, इवन दैट इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं ओके एच. ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं एच, लेकिन प्रोनंसिएशन एक्चुअल में इसका आता है वो एच, यानी कह मतलब थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए एच, यानी ई आई सी एच, इसे बोलते हैं एच. ओके, इस तरीके से आपका प्रोनंसिएशन निकल जाए. इसी तरीके से एच के बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आता है जर्मन आई. अब काफ़ी बच्चे आपने देखा होगा इसको बोलते हैं आई, देखा होगा आपने. हम लोग इंडियन लोग सभी एक्चुअली स्कूल से पढ़कर आए तो वहाँ हमें सिखाया गया था आई. अब मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर ये आई है जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट में मानते हैं इंग्लिश में, तो ई वाई ई वो क्या होता है? अच्छा, वो होता है कहते आंख. तो मेरे ख्याल से हम लोग देखें तो दोनों का प्रोनंसिएशन सेम आ रहा है. इसको भी हम लोग आई बोलते हैं और उसको भी आई बोलते हैं. तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो दो आई? यहाँ तो हो सकती है लेकिन वहाँ नहीं. मेरे कहने का मतलब आप इसे आई ना बोलकर इसे बोलेंगे एक्चुअल प्रोनंसिएशन आई, नॉट एक्चुअली आई. और आपने मेरी हर क्लासेस के अंदर जर्मन देखा होगा, जब भी मैं कोई फॉर्मूलाज बताता हूँ आपको जब खुद के बारे में, तो मैं कभी भी इसको आई नहीं बोलता हूँ खुद के बारे में. हम लोग हमेशा उसको बोलते हैं आई, यानी इतना कॉमन वर्ड हो चुका कि हम नेचुरली बोलते हैं आज, तो आई नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई, राइट.
देन आफ्टर हम लोग चलते हैं जेई। जहां तक जेई को लेकर मैं बात करता हूं तो इसको नॉर्मल हम लोग जे नहीं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेस करना है, जय, नॉट एक्चुअली जे, जे नहीं करना है, जे, इसे बोला जय, ओके लाइक दिस। इसी तरीके से के, जहां तक हम लोग बोलते हैं इसको के, लेकिन मैं कहूंगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन वो होता है खे। अब हम लोग क्या करते हैं देखना, अभी जब भी हम लोग ओके एक वर्ड देता हूँ, जैसे कि सपोज करें के आई टी ई, काइट, ओके हम लोग यूं ही पढ़ते हैं इंडिया में कि काइट, लेकिन अगर वही वर्ड आप अगर फॉरनर के मुंह से सुनेंगे तो वो कभी भी के नहीं बोलते, वो हमेशा के लिए के को क्या बोलेगा, खे, यानी वो बोलते हैं खाइट, नॉट काइट, वो बोलेगा हमेशा खाइट, रियली। अब जैसे कि सपोज करिए कि कोटा, ओके कोटा सिटी है, तो उसको हमेशा के लिए वो बोलते हैं कोटा सिटी, यानी के को वो क्या कर रहे हैं, खे में लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअल जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो होगा खे, नॉट एक्चुअली के, ओके के तो होता है बागड़ी में, बोला ये के, हम लोग इसे बोलेंगे खे, ओके दे रखा है यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर, ओके यहाँ पर एल है, एल का हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो सही निकालते हैं वो एक्चुअल में होना चाहिए एल, नॉट एल। अब इसको देख के हम लोग क्या करेंगे, सेम का सेम पढ़ देंगे, एल, एल नहीं होता, एल तो कोई ओके नाम हो सकता है किसी का भी, हम लोग इसे बोलेंगे एल, राइट। इवन दैट इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं ओके, हम लोग पढ़ते हैं एम, तो इसे एम ने पढ़कर ओके, क्योंकि अगर आप इसको एम पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा एम हो गया वो लक्ष्य वाला, आप इसे बोलेंगे एम, यानी थोड़ा सा टॉन करना है लॉन्ग एम, ओके राइट। इवन दैट इसी तरीके से हम लोग जाएंगे तो इसे एन नहीं पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे एन, ओके थोड़ा सा सही करिए आप, यानी मात्रा जो है इसकी सही देखिए, इसे एन एन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एन, राइट। इवन इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं ओके, तो हम लोग इसको बोलते हैं ओ, यानी ओ यू को मिला के इसे ओ बोलते थे आज तक, लेकिन एक्चुअल में क्या निकल के आना चाहिए, अ, यानी ओ, नॉट ओ, ओ क्या होता है कोई भी चीज होती है ओ, नो ओ, इसे बोले अ, नॉर्मल पढ़ना इसे अ, ओके। इवन दैट इसी तरीके से पी, अब पी को अगर हम लोग मिलाते हैं तो पी और आई को मिलाते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में जाएगा पी, नॉट पी। अब पी देखिए टॉयलेट को भी हम लोग पी बोलते हैं, राइट right? तो बेटर है कि आप इस पी को बोलेंगे फी, जैसे कि हमेशा देखिए फॉरनर लोग क्या करते हैं, कभी भी पापा नहीं बोलते, वो बोलते हैं वेल पापा, यस गुड मॉर्निंग पापा, लाइक दिस, इस तरीके से। अब पोस्टर को क्या पढ़ेंगे वो लोग, पोस्टर नहीं पढ़ेंगे, वो बोलेंगे पोस्टर, पोस्टर, राइट। इवन दैट पटियाला नहीं, फटियाला, मीन्स आई मीन दैट, मेरे कहने मतलब पी को क्या पढ़ेंगे वो फी, नॉट एक्चुअली पी, ओके दैट इज ओके। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं फी के बाद, ओके जहां तक बात है तो आप इसे क्यू नहीं पढ़ेंगे, काफी बच्चे बिल्कुल प्रॉपर इसे पढ़ते हैं क्यू, क्यों नहीं पढ़ना इसे क्यों क्यों क्यों, ये नहीं, आप इसे पढ़ेंगे क्यू, यानी आधा खे और ये और बड़े ओ की मात्रा, ओके बड़े ओ की मात्रा, तो इसे बोलेंगे यू नो क्यू। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आर, ओके आर को आप बिल्कुल प्रॉपर सही पढ़ते हैं हमेशा, ये एक दो ऐसे लेटर हैं जिनको हम लोग सही पढ़ते हैं, तो आर को आप बेटर है कि आर ही पढ़े, लेकिन इसको थोड़ा सा सही करें, ए गैप आर, यानी आर, यानी थोड़ा सा लॉन्ग करने से आर, ऐसे नहीं करें आर, आर, ओके। इसी तरीके से एस जहाँ तक है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, एस, नॉट एक्चुअली एस, इस तरीके से नहीं पढ़ना, इसे बोला एस, राइट। अब टी को हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअल में थी, सही में ओके इसको देखा जाए पढ़ने से होता है टी, नॉट एक्चुअली टी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं टी, अब टी ये है तो टी ई ए वो क्या होगा, पीने वाली चाय, उसको भी तो टी बोलते हो और ये भी टी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक्चुअल में निकालिए टी, जैसे आप देखना कभी भी हम लोग देखते हैं फॉरनर लोगों से ओके क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर को, ओके तो तेंदुलकर जो वर्ड है वो ओके टी से स्टार्ट होता है, तो कभी नहीं बोलते वो सचिन तेंदुलकर, तय नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, रियली टी नहीं बोलेंगे इसे टी। अब तोता सिंह नहीं बोलेंगे किसी का नाम है तो इसे बोलेंगे छोटा सिंह, छोटा सिंह, ओके तो कहने मतलब टी को बोलेंगे टी, राइट। इवन दैट इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं यू, ओके तो यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है आप यू बोलते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक्चुअल में जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यर। अब जैसे कि हम लोग नहीं बोलते यू आर वेलकम, नो बड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, यू आर वेलकम, तो यू को क्या बोलते हैं यर, यू आर स्मार्ट, रियल यू आर जीनियस, राइट, तो यू को क्या बोलेंगे यर। इसी तरीके से हम लोग इसको वी नहीं, इसे बोलेंगे रे, नॉट एक्चुअली वी, यू नो वेरी वेल आई थिंक सो। अब बात करते हैं उसके बाद आगे इसको हम लोग बोलते हैं देखिए W, ओके आई मीन दैट हम लोग इंडियन बोलते हैं W, लेकिन इसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, दैट बात यानी W, नॉट डैड अमरू W, www.com मींस, कहने का मेरा मतलब क्या, W बोलेंगे ना कि W, कुछ लोग तो बोलते हैं W, बहुत अजीब लगता है, आप इसे बोलेंगे W, राइट। इवन दैट एक होता है X, ओके आप इसे थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे X, नॉट एक्चुअली एक्स, इसे बोलेंगे एक्स, राइट। अब हम लोग चलते हैं ओके लास्ट टू लेटर्स पे और ओके जो बचे हुए हैं, जिसको आपने देखा होगा वाई, एक्स के बाद क्या आता है वाई, ओके आप इसे वाई ना बोलकर इसे बोलेंगे वाई, काफी बच्चों के मुंह से मैं सुनता हूँ वो बोलते हैं वाई, तो वाई नहीं होता है, इसे बोलेंगे वाई, थोड़ा देखिए आपके जो चिक्स है वो अंदर जाएंगे,
वाई, मीन्स अंदर से एक साउंड आना चाहिए वाई वाई, मतलब देखिए लिप्स कैसे हो रहे राउंड शेप में वाई, नॉट एक्चुअली वाई, यू नो थोड़ा सा देखिए। अब आगे वो फाइनल जो लेटर हमारा वो रहता है ओके जेड, जिसको हम लोग बोलते हैं जी, यानी जेड ई ई का जो टोन निकलता है जी, जैसे आपने देखा होगा जी सिनेमा, कभी हम लोग नहीं बोलते जेड सिनेमा, जी न्यूज़ कभी नहीं बोलते जेड न्यूज़, सी बी जी कभी नहीं बोलते सी बी जेड, तो कहने का मतलब इस जी को भी आप लोग यानी लेके चलेंगे थोड़ा सा लॉन्ग जी, ओके। और जबकि जहाँ तक बात है ओके जी की, तो यहाँ पर थोड़ा सा उस तरीके से थोड़ा सा फर्क है, देखिए वो जी और जी दोनों में क्वाइट डिफरेंस है, आप इसका रिविजन लेंगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिला के गाइज मैं बात कर रहा था सबसे पहले इस प्रोनंसिएशन को लेकर, क्योंकि मैंने जहाँ तक ओके देखा कि जर्मन जब तक आपका एक एक लेटर का प्रोनंसिएशन सही नहीं होगा तब तक जर्मन आपका किसी भी वर्ड का प्रोनंसिएशन सही कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हीं लेटर से जर्मन एक वर्ड बनता है हमारी लाइफ के अंदर, राइट। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंडियन लोगों में खासकर बड़ी बड़ी अगर मैं देखूं कि परसेंटेज बेस पर तो जर्मन 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे भारत के अंदर जिनको आज एक प्रोनंसिएशन को लेकर प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले मैं ये प्रोनंसिएशन सही करने, आइए हम लोग एक बार इसका रिवीजन लेते हैं एक ओरिजिनल टोन के अंदर कि हम लोग इसको कंटिन्यू कैसे पढ़े, ओके। सो काफी बार मैं बच्चों को के क्लास में क्या है ये अल्फाबेट सुनता हूं कि बेटा खड़े हो के आप प्लीज बताइए मुझे अल्फाबेट, तो वो बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, यू नो बड़ा ऐसे 1857 की तरह, तो अजीब लगता है। हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे थोड़ा देखिए, नॉर्मल हम लोग इसे पढ़ेंगे ए भे से ढे ए एफ जे एच हाय झे खे एल एम एन ओ पी क्यू आर S, T, your, way, W, X, Y, G. फिर से एक बार रिवीजन लेते हैं ताकि आप मेरे साथ साथ बोल के देखेंगे तो आपको ये ओके हैबिट गिरेगी, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। I, भे से ढे ए एफ जे एच आई झे खे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी योर रे डब्ल्यू एक्स वाई जी, होप आपको ये ओके कुछ क्लियर हो रहा होगा गाइस। लेकिन कहते हैं ये एक दिन में क्लियर नहीं होने वाली चीज़ें होती, इसके ऊपर आपको हमेशा ओके एक प्रैक्टिस करनी होती है। एक दिन के अंदर कम से कम यू नो 2 से 3 बार आप इस तरीके से बोल बोल के इसका रिवीजन लीजिए, एक पेज के ऊपर इन चीज़ों को लिखें, और जब भी आपके पास टाइम होता है आप वहीं पर बैठ के इसको पढ़ने लग जाओ, तब जाके गाइस ये चीज़ें आपके धीरे 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 यू नो एक टंग के ऊपर आएगी। और देखना मैं श्योर हूँ कि अगर आपने इस पर अच्छी सी प्रैक्टिस की है तो आने वाले टाइम में यही आपके एक एक लेटर के प्रोनंसिएशन वो सभी आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको सही कर देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब आपको इनके ऊपर काम करना है।